आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष द्वारा बिजली चोरी की शिकायत पर मोहल्ले के दबंग लोगों ने मारपीट कर दांत और उंगलियां तोड़ दी। इसके बाद बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। गोली भाजपा नेता की बाजू को रगड़ती हुई निकल गई। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक लोहा मंडी के आलमगंज चौकी क्षेत्र निवासी वसीम खान पुत्र शाहिद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के गोपेश्वर मंडल का अध्यक्ष है और भाजपा का पुराना कार्यकर्ता भी है। वसीम के अनुसार उसके घर के बाहर लगे टोरेंट पावर के खंभे से मोहल्ले के लोग डायरेक्ट कटिया डालकर बिजली चोरी करते हैं। वसीम के अनुसार उसे डर था कि उसके घर के बाहर पोल पर कटिया पड़ने पर टोरेंट पावर उसी के ऊपर ही बिजली चोरी के आरोप को मर देगी, इस कारण उसने शिकायत कर दी। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर टोरेंट की टीम आती है और 10 दिन के अंदर लोगों को कटिया हटाने का अल्टीमेटम देकर बिना कार्रवाई के लौट जाती है। पहले तो एक लड़का आया, कहने लगा पैर तोड़ूंगा और गोली मारूंगा वसीम के अंदर। कौन लड़का था? नाम नहीं खोलूंगा, इतिहास में नाम लिखवा दिया मैंने उसका। फिर उसके जाते ही दो तरफ से गोली चली, लड़के के बाल बाल गोली बाजू के बराबर से निकल गई। पहले तो मारा उन्होंने बहुत ज़्यादा, फिर गोली मारी तो गोली बाजू से निकल गई, बच्चा बच गया मेरा। रीढ़ की हड्डी में चोट है, दांत टूटे हुए हैं, उंगली टूटी हुई है और वो हॉस्पिटल में है बच्चा मेरा। सीरियस हालत है बहुत ज़्यादा। वसीम के पिता शाहिद ने बताया कि शिकायत से भड़के मोहल्ले के एहसान, इरशाद, गुड्डू, शाहरुख, राहुल कुरैशी, आमीन और पप्पी एक साथ वसीम के पास आए और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बुरी तरह पीटा और सीधा उस पर फायरिंग कर दी। घटना में वसीम के दांत और हाथ की उंगलियां टूट गई हैं। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में वसीम बेहोश हो गया और उसकी मां ने हंगामा कर दिया। सूचना पर स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल थाने आ गए। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित को अपनी जीप में बिठाकर इलाज के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, ये आपस में एक कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और दो लोगों की गिरफ्तारी की गई जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो भी और लोग हैं वो विवेचना के दौरान जो भी लोग आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। SSP सुधीर कुमार के अनुसार लोहा मंडी क्षेत्र में पड़ोसियों में मारपीट हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और दो आरोपी राहुल व सनी उर्फ टोंटा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।